नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारा चैनल में। चौथा मुकाबला जो खेला जा रहा है आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला। दोस्तों आज का मुकाबला बहुत ही शानदार रहा है, स्कॉटलैंड 19 वर्सेस इंग्लैंड 19। स्कॉटलैंड अंडर 19 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 की पारी खेली, बहुत ही शानदार एक बड़ी निर्णायक पारी खेलते हुए बहुत ही शानदार मुकाबला खेला था स्कॉटलैंड 19 ने। और वहाँ पे लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड अंडर 19 ने आज 175 रन बनाएगी 77 पे कोई बिना नुकसान पर। 11 ओवर की लगभग हो चुकी है यहाँ पे समाप्त। बहुत ही तेज गति से रन रेट आती हुई 7-10 की आ रही है करंट रन रेट। यहाँ पे मुकाबला जीतने के आसार पे इंग्लैंड अंडर 19 को 98 की जरूरत पड़ेगी मात्र 31 ओवर में। दोस्तों बात करेंगे जेमिया डंक एडी हॉज दोनों बल्लेबाजी करने आए थे स्कॉटलैंड के बल्लेबाज। डंक ने आज 40 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, 70 गेंदों में 40 रन बनाए थे। बहुत ही खूबसूरत शानदार पारी, 3 चौके जड़े थे और हमजा शेख ने उनका आसान कैच लगभग जेमी डंक आज 40 रन बना के आउट हुए। आदि हजद 3 रन की पारी खेली, अहमद की गेंद पर 20 गेंदों का सामना किया मात्र 3 रन बना पाए आदि। और जो एक बार फिर आदि आज 3 रन बना के आउट हुए। बहादुर लेग पर विकेट हुए थे, फराद अहमद की गेंद पर 0 पे 4 गेंदों का सामना किया और बिना खाता खोले अपने वापस पेन लौटे बहादुर। ओवेन गोल्डी दोस्तों कैप्टन आज 48 की पारी खेली है, उन्होंने 61 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके एक चक्का लगाया था। 78.68 की थी स्ट्राइक रेट और यहाँ पे बेन कैस्टन की गेंद पर 48 रन बनाए थे ओवेन गोल्ड ने। 5 चौके एक चौका चक्का लगाया था 61 रन पर 48 बना के आउट हुए। उजार अहमद की बात करेंगे, 25 गेंदों का सामना किया, 12 रन बनाए उन्होंने। मॉर्गन की गेंद पर बोल्ड हुए कैनरी की गेंद के स्लिप का। दोस्तों मुकाबला स्कॉटलैंड वर्सेज इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बहुत ही शानदार खूबसूरत निर्णायक मुकाबला खेला गया। चौथा मुकाबला आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का। लोगन ब्रिक की बात करेंगे, यहाँ पे 45 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए मात्र। केली गेंद पर बोल्ड हुए लोगन ब्रिक, 45 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए थे, 40 की थी स्ट्राइक रेट। रुद्र मैकलिन की बात करेंगे, यहाँ पे 11 गेंदों में 4 रन बनाए थे। डेनली गेंद पे मैकिनन ने कैच लपका, रोहित मैकलेंट्री 4 रन बना के आउट हुए। कसीम खान की बात करें, नॉट आउट है, यहाँ पे 5 रन पर 16 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाए थे। हेरी अब्सेंट हट रहे थे, वो आए नहीं बल्लेबाजी करने। 200 एक्स्ट्रा रन मिले थे, 26 रन टोटल। यहाँ पे 174 की पारी खेली थी उन्होंने इस मैच में। लास्ट विकेट गया था, उसके बाद 2-4 ओवर बाकी रहे, 4 गेंद बाकी रही थी और पूरी टीम सिमट गई 174 पर। आज जीतने के लिए 175 की जरूरत पड़ेगी आज इंग्लैंड अंडर 19 टीम को। इंग्लैंड अंडर 19 वर्सेस स्कॉटलैंड 19 के बीच का मुकाबला आज का चौथा मुकाबला आईसीसी वर्ल्ड कप का है। बहुत ही शानदार एक निर्णय मुकाबला जो खेला जा रहा है, 19 टीमों के बीच का मुकाबला बहुत ही शानदार रहा है। दोस्तों आज बल्लेबाजी पहले करते हुए 174 की शानदार पारी खेली थी, उसके बाद 175 का दिया टारगेट इंग्लैंड 19 को जीत के लिए। अच्छी गेंदबाजी रही तो भी 6 स्कोर करना आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही बड़ी पारी खेलने वाले इंग्लैंड 19 टीम बहुत ही एक मजबूत टीम है। उस सामने स्कॉटलैंड ने आज काफ़ी कम ही स्कोर खड़ा किया है 174 का, तो आसानी से 6 हो सकता है स्कोर, ये 175 के पास जा सकता है। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही एक रोमांचित मैच देखते हुए यहाँ पे 174 रन की पारी खेली और 175 पे जीतने के लिए चाहिए आज इंग्लैंड 19 टीम को। दोस्तों बात करें बॉलर्स का परफॉर्म देखते हैं एक बार फिर से। इंग्लैंड का मॉर्गन ने यहाँ पे 8 ओवर डाले हैं, 1 मिडल निकाला, 42 रन दिए, 1 विकेट लिया, 5-25 की इकोनॉमी रही उनकी। केले की बात करेंगे, 4 ओवर डाले हैं, 20 रन देखे, 1 विकेट लिया है, लास्ट ओवर डाले, 4 गेंद बाकी रही, 6.2 ओवर डाले, 10 एक विकेट लिया, 20 रन दिए, 3.15 की इकोनॉमी रही उनकी। फरहान अहमद ने 10 ओवर डाले हैं, 2 मिडल, 22 रन देखे, 3 विकेट ली है, 2-20 की इकोनॉमी की रही है। एडी जेक की बात करेंगे, 8 ओवर डाले हैं, 20 रन देखे, 2.50 की इकोनॉमी रही है। लुक की बात करेंगे, 10 ओवर डाले, 41 रन दिए, 3 विकेट ली है, 4.10 की इकोनॉमी की रही है। लुक ने आज 10 ओवर में 41 रन दिए हैं और 3 विकेट भी निकाली है, तो ये बहुत ही शानदार परफॉर्म दिखाया गया है लक का। बहुत ही शानदार एक अच्छा मुकाबला खेला गया। जयदन डेनली ने यहाँ पर 7 ओवर डाला, 24 रन दिए, विकेट लिया है, 3.42 की इकोनॉमी रही है। तो फलो विकेट बात करेंगे, 28 पिक रहा पहला विकेट आदि का, 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर 28 पर दूसरा विकेट बहादुर, 10वें ओवर छठी गेंद पर 68 पे तीसरा विकेट जेमी डंक का, 20वें ओवर 5वीं गेंद पर 97 पर चौथा विकेट उजैर अहमद का, 28वें ओवर छठी गेंद पर 115 पर 5वां विकेट ओवेन गोल्ड का, 32वें ओवर तीसरी गेंद पर 128 छठा विकेट इब्राहिम फैसल का, 36वें ओवर दूसरी गेंद पर
142 पे 5 विकेट का था। जोन्स का 42 पहले गेंद पर 153 पर गिरा 8 विकेट। टूरिद का जो कि आज का बहुत ही शानदार अच्छी बल्लेबाजी रही। आज ही बात करें इंग्लैंड एंटी टीम की 175 का टारगेट 50 ओवर का खेलना है। यहाँ पे बैटिंग अगर बात करेंगे जेडन और बेन मैकिनी बल्लेबाजी करने हैं। दोनों बल्लेबाज क्रीज मौजूद है। अभी दोनों बल्लेबाज ने बहुत ही शानदार पारी खेली। 40 और 34 की 37 गेंदों सामना करते हुए 34 बनाए हैं उन्होंने। जेडन के 3 चौके जड़े हैं अभी तक 91.89 स्ट्राइक रेट। और बेन मैकिनी की बात करें कैप्टन की नो डाउट है। अभी 40 रन पारी खेल चुके हैं। 30 गेंदों में 40 बनाए हैं उन्होंने। आज 8 चौके जड़े हैं। 133.33 री स्ट्राइक रेट। बेन ने बहुत शानदार नो डाउट पारी खेली 40 रन की। एक्स्ट्रा रन मिले हैं 4 और यहाँ पर 78 रन बन चुके हैं। 11 ओवर लगभग हो चुके हैं। यहाँ पर समाप्त 7 की आ रही है 100। दोस्तों मुकाबला एक बार फिर से बहुत ही अच्छा शानदार देखा जा सकता है। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी रही इंग्लैंड टीम की। इंग्लैंड मजबूत टीम है। 175 तो आसानी से चेस कर सकती है। बहुत ही आसानी से आज एक आसानी से जीत मिल सकती है। फर्स्ट मुकाबला जीतने का आशा लग रहा है। आज के 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले 2 मुकाबले खेले गए थे उसके बाद आज के मुकाबले। सो आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस अफगानिस्तान, उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड अंडर 19 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले जो खेले जा रहे हैं। आज के 5 मुकाबले हो चुके हैं। 2 कल मुकाबले खेले गए थे साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ और उधर USA वर्सेस आयरलैंड के बीच, जो कि मुकाबला बहुत ही शानदार रहा। आयरलैंड ने मुकाबला जीता, उधर साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीता। आज मुकाबले 3 खेले जाएंगे। कौन जीतेगा, कौन बनेगा विनर, देखेंगे शाम तक। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने स्कोर बोर्ड और कमेंट्री के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। एक कमेंट्री स्कोर बोर्ड के साथ आपके सामने स्कोर देते रहेंगे। दोस्तों आज ये मुकाबला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इंग्लैंड का ये मुकाबला स्कॉटलैंड के साथ खेला गया था, जो बहुत ही शानदार अच्छी पारी खेली गई थी। इस तरह से मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा है। बॉलिंग की बात करेंगे, कज़िम खान ने 3 ओवर में 27 रन 9 की इकोनॉमी। मैकिन जोन्स ने यहाँ पर 4 ओवर डाले 28 रन दिए 7 की इकोनॉमी रही है। रोहित ने यहाँ पर 3 ओवर डाले 20 रन दिए 6.66 इकोनॉमी। आदि हेज ने यहाँ पर 1 ओवर में 3 रन दिए 3 की इकोनॉमी उनकी भी रही है। दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर देखने मिल सकती है। नोहा 3 आएंगे बल्लेबाजी करने, हमजा शेख आएंगे, लुक आएंगे, क्लीन प्लस आएंगे, मॉर्गन एड जैक फरहान अहमद ये बल्लेबाजी करने आज इस मुकाबले को खेलने के लिए आएंगे। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच का मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला फिर खेला जा रहा है। दोस्तों इस मुकाबला आज का बहुत ही अच्छा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, क्रिकेट सर्च ये पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। कोई भी आपके सब हाईलाइट होगी आती रहेगी। ये मुकाबला आपके सामने जो कि स्कॉटलैंड वर्सेज इंग्लैंड के बीच जो खेला गया, बहुत ही शानदार अच्छा निर्णय मुकाबला जो खेला गया था, बहुत ही अच्छा रहा। दोस्तों धन्यवाद।